everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पे तो रोज ही बात होती है और आप सब भी सुन रहे होते हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज हम जरा हट के बात करेंगे. टॉपिक भी डिफरेंट है और कुछ लाइफ स्टाइल इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बातचीत होगी. लेकिन इससे पहले मैं बताती चलूँ कि मेरे साथ आज कौन है. मेरे साथ आज ना तो सिर्फ एक गेस्ट है बल्कि मेरे साथ एक हॉल, देयर इज अ हॉल सेट ऑफ टीम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, पाकिस्तान्स इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. And they all are extraordinary talented, mind-blowing actors. तो चलिए आइए, let's introduce them to all of you. सबसे पहले मैं start लेती हूँ जिस mission पे हम चल रहे हैं, उस mission के साथ साथ उस mission में जो lead और main character है उससे start लेते हैं. तो चलिए, let's talk to Mr. Yasir Hussain. Please introduce yourself to the audience. I am an actor and हम यहाँ टक्साली गेट को प्रमोट करने आए हैं, जो हमारी नई फिल्म है 16 फरवरी को आ रही है. और मेरे साथ मेरे सीनियर एक्टर, मेरे भाई नैयर एजाज साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. और वो इस फिल्म में मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं. और मेरे लेफ्ट साइड पे उमर आलम मौजूद हैं, जिनको आप लोग सब जानते हैं, ये रियलिटी शो भी जीत चुके हैं और अक्सर मूवीज़ और ड्रामों में भी नज़र आते हैं. और जो हमारे फोर्थ पार्टनर हैं वो हमारी इस फिल्म टक्साली गेट के प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम वकास रिजवी है. सो नाउ वी हैव मिस्टर यासिर हुसैन, वी हैव मिस्टर नैयर एजाज, उमर आलम एंड यस द प्रोड्यूसर ऑफ द न्यू अपकमिंग फिल्म टक्साली गेट. इनके प्रोड्यूसर से मैं जानूंगी और पूरी टीम से मैं जानूंगी. मुझे कुछ नहीं पता कि फिल्म का योनरा क्या है, फिल्म की थीम क्या है, करेक्टर्स क्या है, करेक्टर्स के नाम क्या है, किस सब्जेक्ट पर, और बहुत कुछ जानूंगी मैं. तो चलिए आइए जानते हैं. सबसे पहले स्टार्ट लेती हूँ मैं मिस्टर वकास रिजवी से, जो कि प्रोड्यूसर है फिल्म के. तो सर, आप मुझे बताइए कि इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पीछे मास्टरमाइंड और आइडिया क्रिएशन ये सब आपके दिमाग में किस तरह आया और हाउ डिड यू टेक अ स्टार्ट? फिल्म बेसिकली अबू अलिया का कॉन्सेप्ट था, जो इसके राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं. और ये मूवी उन्होंने प्लान की थी तकरीबन कुछ साल पहले, और फिर उसके बाद ये लेकर आए थे कॉन्सेप्ट पास में प्रोड्यूस करने के लिए. स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था और उसका जितनी भी अपना प्री प्रोडक्शन उन्होंने की हुई थी, चीज़ें की हुई थी, कास्ट थी, कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा था. रूटीन मूवी नहीं थी, एक वो कॉमेडी नहीं थी, रोम कॉम टाइप नहीं था, बिला वजह का एक्शन नहीं था, एक अच्छी फिल्म थी और सोशल स्टोरी थी. तो मुझे इंटरेस्ट इसमें सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट की वो यही थी, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. मैं था इसमें, हमारे प्रोड्यूसर हैं शबीर, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं बैचलर शबीर शाह, वो थे. तो फिर हमने इसको इनिशिएट किया और आज हम बस इसको रिलीज करने वाले हैं. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. बेसिकली मैंने खुद पर्सनली इसका ट्रेलर देखा है, तो ट्रेलर देख के ना मूवी बहुत इंटेंस लग रही है. उसमें जो करेक्टर्स है वो बहुत इंटेंस हैं और लेकिन यहाँ पे नहीं, मुझे माहौल इंटेंस लग रहा, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है. लेकिन चले, मैं आपको बताती चलूँ, हम लोगों ने ये सोचा है कि अब जो हम फिल्म की प्रमोशन करेंगे ना, वो फिल्म हमें लाइट रखना है इस सारे सीन. श्योर कैरी ऑन. हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है सेट के ऊपर वो ऐसी थी कि हम एक्शन सीन भी शूट कर रहे थे तो हम हंस रहे थे, क्योंकि किसी को उठा के दरवाजे में फेंकते थे तो दरवाजा नहीं खुलता था कभी. मेहरबानों के नाम सब हंस रहे होते थे साइड पे. अच्छा, वो क्यों सीरियस रहती थी? मेहरबानों की सीरियस रहती थी, वो कैरेक्टर में बहुत थी. अच्छा, उनका ज़ैनब नाम का करेक्टर, ज़ैनब उनका था, तो वो अपने करेक्टर में रहती थी, करेक्टर में रहती थी. अच्छा, तो मुझे ये बताया कि ऐसा होता था कि मेरा क्या नाम था? यासिर. आपका नाम यासिर फिल्म में? फिल्म में गुड क्वेश्चन यार, क्या नाम था? शफीक. शफीक आपका नाम? हमीद था. शफीक और हमीद के मेन कैरेक्टर्स हैं और आप लोग भाई भाई का रोल कर रहे हैं, राइट? हम दोनों जी, मेरे बड़े भाई बने हुए हैं जी. तो मुझे ये बताएं, मुझसे छोटे हैं ये. तो मुझे ये बताएं कि जब आप दोनों फिल्म के डायलॉग्स कह रहे होते थे तो वो बहुत इंटेंस हैं और उसमें कुछ अब्यूसिव और इस तरह की जो बोल्ड लैंग्वेज है वो यूज़ हुई हुई है, तो वो करते हुए आप लोग का क्या होता था रद्द अमल? हंसी आ जाती थी या सीरियस रहते थे या क्या सोच रहे होते थे? इतनी कोई बोल्ड लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर, फिल्म के अंदर. इसमें रियल लैंग्वेज है, जो हम आम जिंदगी में जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम पॉडकास्ट में बोल रहे हैं ऐसे नहीं. जो आम अगर आप रोड पे चल रही हो और दो लोग बात करते हुए गुजरेंगे तो वैसी ज़बान यूज़ हुई है उसमें, तो उतना नहीं है पाकिस्तान में. जितना हम दिखा सकते हैं उतना ही है. दूसरी बात, नैयर साहब जैसे सीनियर लोग हों और उमर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार हैं, तो इतना कुछ मसला नहीं होता था. हम एक दफ़ा लाइंस याद कर रहे थे तो कैरेक्टर्स में इतने ज़्यादा थे हम कि पता ही नहीं चलता था, लाइंस सीन ख़त्म हो जाता था. अच्छा, नाइस, बहुत आराम से फ्लो में निकल रहा. उमर के डायलॉग भी कम थे ना, पिटा जाता है मूवी में. तो अब जैसे उमर की बात करते, तो उमर मुझे बताएं कि आपका क्या करेक्टर है इस फिल्म में?
मैं इस फिल्म में हीरो हूँ बेसिकली, मेन जो मेन कैरेक्टर जो है वो मेरा ही है, जिसकी वजह से स्टोरी इसकी बात कर रहे हैं, टक्साली की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये अबोलिया की दूसरी फिल्म से टांगे वाला खैर मान है, इसमें इसमें हमारी टक्साली फिल्म है, इसमें यासर साहब और मैं, हम दोनों ऐसा नाइस। नहीं, मैं भी हीरो हूँ बेसिकली, ये लोग तो हैं, मैं भी हीरो हूँ, मतलब एक एंसेंबल कास्ट हम लोगों ने जमा किया और सबके एक मेजर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्टोरी जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रही है वो मेरा कैरेक्टर। तो मुझे ये पता है कि टक्साली फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है, इसमें भी आप ग्लासेस पहन रहे हैं? नहीं नहीं, उसमें नहीं मैं पहन रहा, उसमें मैंने मेकअप किया हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं, मुझे ये बताएं कि आपने ये आपकी दिस इज योर फर्स्ट मूवी? नहीं उससे पहले मैंने जो तीन फिल्में की उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद यासर एंड वर्किंग विद मिस्टर नय्यर? ही इज अ सीनियर एक्टर। फेनोमिनल, मतलब यानी कि ये लोग तो इंस्टीट्यूशंस हैं चलते फिरते, जो आप इनको सेट पे जब ऑब्जर्व करते हैं लाइनें देते हुए रिहर्सल करते हुए, तो आप लोगों को हमें बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से नहीं आपको आसानी से इनके साथ काम करने का मौका मिलता। मेजर लोग जो हैं वो नहीं कास्ट करते नए लोगों को, तो इस वजह, लेकिन इनके साथ करने का मुझे जो मौका मिला वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने उसको भरपूर तरीके से अवेल किया। जितना ही लोगों से मैं सीख सकता था मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन सीख नहीं सका कुछ, बस किसी को बताना नहीं कि हमसे सीखा। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। जब मैं बात करती हूँ वंस अगेन आपसे, प्रोड्यूसर से, तो मुझे बताएं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जाहिर आप पूरी की पूरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो आपने सोचा है आपने उसको उस फॉर्म में लेके आना है, तो कोई चैलेंजेस आपने फेस किए पूरी टीम को असेंबल करते हुए? कुछ ऐसा किसी ना किसी के टेंट्रम्स भी होते होंगे सेट पे? बहुत स्मूथ निकला है प्रोजेक्ट। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी जी, वकास के बारे में एक बात, जो अभी हम जितने इंटरव्यूज में जा रहे हैं, एक तो वकास मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है, दूसरा बहुत मैंने एक्टिंग बाद में शुरू की है, वकास बहुत पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं टीवी ड्रामास, एड्स और फिल्म भी की है। वकास इस फिल्म में जो इन्होंने बेहतरीन काम ये किया है कि इस फिल्म की कास्टिंग सारी तकरीबन वकास ने की है, जो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पहले कुछ और लोग कर रहे थे और अब उनमें आप उन कैरेक्टर्स में देखेंगे तो आपको बहुत बड़े अदाकार नज़र आएंगे, तो वो वकास का आइडिया है। और उसके अलावा जिस तरह से वकास सेट पर रहे हैं हमारे साथ सुबह से लेकर रात तक, अमूमन प्रोड्यूसर्स उतनी देर नहीं खड़े होते, असिस्टेंट्स होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, और अभी भी असिस्टेंट्स ही हैंडल कर रहे थे मगर वकास आपको पूरा टाइम दिखते थे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी किसी भी किस्म की, तो उस हिसाब से फिर शूट ना बहुत स्मूथ हो जाती है, अगर आपके सर पे कोई हो तो फिर शूट बड़ी स्मूथली गुजरती है, तो इस तरह से शूट हमारी बहुत अच्छी गई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई जो नाखुशगवार वाकया जिसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं बात करती हूँ इफ़त उमर और आयशा उमर और मेहरबानो, वो तीनों भी आपके साथ थी, तो जब आप लोग इकट्ठे सब एक्टिंग कर रहे होते थे, वो लोग इस फिल्म में नहीं है, आर यू श्योर? नहीं है। नाइस वन, नाइस वन। तो मुझे ये बताएं, जब आप लोग इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे होते हैं तो होता ना यूजली हर जगह एक अपने सर्कल में कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस आ जाती है, कभी हम लोग एक तो आयशा के साथ कोई इशू हो, कोई ऐसा बाकी है, कोई ऐसा तंग करने वाला करैक्टर हो? नहीं नहीं, तीसरी फिल्म है ये और हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है आयशा के साथ, बाकी नय्यर साहब हो गए या उमर जैसे लोग जो हैं, उमर बड़ा बहुत ही जैसे कहते हैं ना चिल बॉय है, इसको किसी चीज से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तमाशा में ही इज द विनर। हाँ जी, विनर तो बिल्कुल, उसमें भी इसी वजह से विनर था, बड़ी बात है कि वो पूरे उसमें से आप एक प्ले कार्ड जीत जाए इन द एंड, इट्स अ वेरी ग्रेट टैलेंट आई गेस। बिल्कुल ऐसे ही, उस पे भी आऊंगी मैं, उस पे भी पूछूंगी आपसे आपका एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट, मुझे जल्दी पूछने पर मैं निकल रही है फिर बाद में बसें बंद हो जाएंगी। मुझे ये बताएं कि जैसे कि इंडियन फिल्म्स के लिए इंडियन गाने रिलीज हो जाते हैं तीन तीन छः छः महीने पहले टू कन्विंस ऑडियंस कि हाँ ये फिल्म देखनी चाहिए, अब आप लोग की जो ये फिल्म है इसमें कोई खास गाना नहीं है, आप लोग ने इसकी कोई खास प्रमोशन नहीं की, तो आप लोगों का सक्सेस मंत्र क्या है? दो गाने हैं फिल्म के जो रिलीज हो चुके हैं, एक है मेरा हक, किधर है वो ईवा बी का गाना है मेरा हक, और दूसरा जो एक कवाली ट्रेलर है, में जो लगा हाँ, जी जी जी, और एक कवाली है जो ट्रेलर में कवाली लगी हुई है, टीजर में मेरा हक लगा हुआ है, तो वो यशल ने गाया हुआ है वो जो कवाली है,
तो ये दो गाने हैं और इस फिल्म को उतने गानों की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्शन थ्रिलर है, सस्पेंस है, तो दो गाने बहुत हैं इसके लिए और दो गाने जहाँ ज़रूरत है वहाँ हैं ये। तो हमारा कोई ऐसा प्रमोशनल सॉन्ग नहीं है कोई जिसमें डांस हो या कुछ हो, ये बड़ी रियल फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा। मॉरल पे बेस्ड है? नहीं, मॉरल तो हर फिल्म में ही होता है कोई ना कोई, लेकिन ये एक थ्रिलर है, बेसिकली एक क्राइम थ्रिलर है। सर मुझे बताएं कि ऑब्वियसली यू आर सीनियर एक्टर, आपकी एक्टिंग भी देखती, खुद भी देखती रहती हूँ आपकी फिल्म्स, तो बहुत अच्छी आप मार्शल एक्टिंग करते हैं। तो अभी इस फिल्म में आपका एक रोल है जिसमें आपको थप्पड़ पड़ता है, तो उसमें कोई रीटेक्स हुए या वो एक वन गो में आपने किया है? मैं बहुत कम टेक्स देता हूँ, यासिर साहब को भी डायरेक्टर भी है तो इनको पता है मैं ज़्यादा रीटेक्स करता है नहीं, तो बस इतना फर्क पड़ा कि पहले मैं कपड़े मारता था तो बस ये एक्टिंग होती है, इसमें आप जितना ओरिजिनल लोगों को शॉट लगेगा उतना अच्छा होगा। तो जिन्होंने थप्पड़ मारा था इनको वो कौन, वो साथ दो तीन बंदे भी लाए थे मारेंगे, वो तो इफ्तिखार ठाकुर साहब था ना, उन्होंने उनको ऑक्सीजन भी लगवाया और ड्रिप मार दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फिल्म को इसकी सूरत में एक आर्टिस्ट मिलेगा, यासिर के साथ काम करना बेहतरीन तजर्बा था, आयशा उमर ने बड़ा अच्छा काम किया, इफ्तिखार उमर ने बड़ा अच्छा रोल किया, बाबर अली साहब हैं इस फिल्म में और इफ्तिखार ठाकुर हैं, तो सारा मिल के ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं चूँकि हमेशा से इस चीज़ के लिए तरफदार रहता हूँ कि यार कोई डिफरेंट काम आए और उसको किया जाए, तो ये इसमें इंशाल्लाह आपको एक अलग आदमी नज़र आएगा, और वो हमने दूसरी भी की और साथ में यासिर साथ था मेहरबानों की, तो हम लोगों ने मिल के कोशिश की हम सब ने एक अच्छी फिल्म और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। व्हाई नॉट, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे ये बताएं सर कि फिल्म प्रोड्यूस करने से पहले ऑब्वियसली इसको उसकी पूरी वो जो कहते हैं ना स्टोरी बोर्ड, बजट, सब कुछ देखना होता है, तो इस फिल्म का बजट, इसकी मार्केटिंग, सब का सब किस तरह, आई वांट टू नो अबाउट इट। देखिए प्रोसीजर तो एक ही होता है, बजट कितना लग रहा है या बजट इसका सही था? अच्छा बजट है, जितना होना चाहिए पाकिस्तान में एक मूवी का। अच्छा बजट है, उतना ही है, सही है, मुनासिब बजट है। प्रोड्यूसर ने हमें 3 दिन मैरिट इवेंट्स, नाइस, खाना, हर तरह की फैसिलिटी इन्होंने बेहतरीन दी, और जो सबसे खूबसूरत बात है जो कहनी चाहिए हम सब आर्टिस्टों को कि ऑन टाइम पेमेंट के लिए भी सब। अच्छा रियली इस पर पेमेंट को कहना नहीं पड़ा, यार हमारे पैसे दे दो। अच्छा यूजुअली होता है पेमेंट्स और चेक्स रुक जाते हैं इंडस्ट्री में, मेरे साथ तो वैसे कभी नहीं हुआ, पहले भी कभी नहीं हुआ। हम सब ने कोशिश ये की है कि जी एक अच्छी फिल्म, जो हमारे मुल्क में लोग कहते हैं कि जी अच्छी फिल्म नहीं है, ये नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला लोग जब सिनेमा हॉल में आएंगे तो इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। कमिटमेंट अगर आप टाइम पे पूरी करें ना तो आप ज़्यादा काम ले सकते हैं आर्टिस्ट से भी और उनसे, क्योंकि हर कोई जो है ना, मतलब सबके घर हैं, सबकी फैमिलीज हैं, अगर वो आप टाइम पे दे दोगे तो मतलब हर कोई आपको डबल एफर्ट देगा। कभी कभार ऐसा भी होता है लेट नाइट शूट होती है, आउट ऑफ टाइमिंग होती है, सुबह सुबह 6 बजे हमने रोल किया, रात 4-4 बजे पैकअप किया है, तो आप जब टाइम पे देंगे तो टाइम पे काम ले भी सकते हैं। Something should be given in return, yeah, which is everyone's right. It's same as give respect and take. Obviously, it. Time pe paise de aur humse. Zaire it acts as a catalyst, yeah, to motivate and work more. Mujhe ye bataye, aap log ki jo ye movie hai, usually iski jo story writing hai, is it true? Rumors hai na, jo India ki ek Bollywood film hai, Gangu Bhai, usse koi milti julti hai? Nahi ji, ek androon shahar ki kahani hai aur Gangu Bhai to कमाटीपुरा की कहानी थी, वो तो बहुत दूर है यहाँ से। ठीक है, अच्छी बात है, बताएं ताकि हमें तो पता हो। इससे और उसका कोई बिल्कुल मुमासलत ही नहीं है, कोई 100% बिल्कुल वैसी फिल्म है, बहुत ही अलग ना मुशाबियत है। और वो फिल्म एक खातून की कहानी थी, ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है। ऑलराइट, दोनों के जॉनर्स भी फर्क हैं। और आपने ट्रेलर देखा है फिल्म का? मैंने ट्रेलर देखा। कैसा लगा आपको? अभी तक तो इंटेंस, और मूवी देख के पता चलेगा। वैसे ऑब्वियसली वो जो एक इंटेंस स्टोरी है, एक सर्टेन माइंडसेट है पाकिस्तान जो हमारा होता है, अंदरून शहर का सबसे अच्छा सी मजेदार। अच्छा हाँ, वो अब मुझे पसंद तो आया था, मुझे बताना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो देयर वाज अ, मुझे वो पसंद आई है, वो एंगल आयशा उमर और आप अपसाइड डाउन यू एक्सचेंजिंग डायलॉग्स विद ईच अदर व्हिच आर इंटेंस।
सो वहाँ पे मुझे आई रियली लाइक द एक्टिंग एंड आई रियली लाइकड ये कहते हैं ना द पैशन सो आई लाइक इट देर इज अ न्यू मूव और ऑब्वियसली सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आई जाती है पूरी फिल्म का आई लाइक्ड दैट पूरी फिल्म का सबसे खूबसूरत सीक्वेंस है वो मुझे पसंद आया वो हां जी मुझे ये बताएं कि जब आवाम मूवी देखने जाती है तो एंड पे वो यही बातें करती है इससे अच्छा तो ऐसा था कि ये ड्रामा होता ये फ्लान तो आपका ये जो फिल्म है लगता है कि ड्रामे की फील आएगी या जस्टिफाई करती है कि फिल्म ही होनी चाहिए कहीं ड्रामे की फील नहीं आएगी मतलब जहाँ पे ड्रामा जरूरी होगा वहाँ पे आपको फील होगा ये फिल्म देखने से आपको मजा आएगा और इस फिल्म को जब आप देखेंगे ना तो आप ये बिल्कुल भूल जाइएगा कि आप समझिए कोई आप ड्रामा देख रही है ऐसा नहीं है कि आपको फिल्म ही लगेगी इफ्फत उमर तो एक जैसे कहते हैं ना बहुत सीनियर और पुरानी माशाला है आयशा उमर जरा उनके मुकाबले में है और फिर मेहरबान आ जाती है मतलब देयर इज अ सीरीज ऑफ एक्टर्स तो आप बताएं कि आप इनके साथ जब काम कर रहे हैं तो इफ्फत उमर का जो काम है वो आपको किस तरह का लगा है मतलब किस मियार का है या कैसा लगता है उनके साथ काम करके जो किरदार दिया गया था उसमें वो पूरा उतरी है उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया और वो वैसे भी रियल लाइफ में बड़ी बोल्ड खाती और रोल भी उनका बोल्ड नहीं है तो आप जब स्क्रीन पे उनको देखेंगे आपको अच्छा लगेगा इन तीनों खवातीन ने अपनी अपनी जगह पे अच्छा वैसे होता है ना कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामास और फिल्म में भी जो एंडिंग होती है ना वो होती नहीं हम लोग जस्टिफाई कर पाते हमारी जो अमूमन ड्रामे या फिल्में आप देखते हैं ना उसमें एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है या दो हीरो होते हैं दो हीरोइन होती हैं या दो हीरो एक हीरोइन होती हैं फिर भाई होता है बहन होती है माँ होती है बाप होता है ये कैरेक्टर्स हैं हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है ये सब लोग बहुत मुख्तलिफ लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं सब लोग अच्छा इसमें सिर्फ हम दो भाई हैं नाइस और जो मेहरबानो है वो इनकी बेटी है इसके अलावा कोई रिश्तेदार नहीं है किसी का और एंड में कोई कपल भी नहीं बन रहा या कोई ऐसा ट्विस्ट है ये तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा लेकिन मतलब सरप्राइज है हो सकता है कि बहुत बहुत से सरप्राइज इसके लिए देखनी पड़ेगी तो बहुत आप जैसे-जैसे देखते जाएंगे आप مزید परेशान होते जाएंगे इंटेंस एंगेजिंग है जी बहुत एंगेजिंग फिल्म अच्छा मुझे ये बताएं जब मैं बात करती हूँ इकरा अजीज की तो आप आने वाली मूवीज में ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इकरा अजीज के साथ भी कोई फिल्म करें या नहीं ये तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बताएंगे आपका अपना दिल क्या कहता है मैंने अगर खुद कोई फिल्म बनाई तो मैं जरूर कास्ट करूंगा बड़ी बेहतरीन अदाकारा है अच्छा रियली रियली क्या आप करेंगे नहीं वो तो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती नहीं आई डू वॉच आई नो इकरा अजीज एक्टिंग एंड शी इज अ गुड एक्टर लेकिन मैं आई एम टेकिंग योर ओपिनियन राइट नाउ आई एम अ न्यूट्रल पर्सन कि अगर मुझे मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो मैं जरूर उनको कास्ट करूंगा अच्छा मुझे ये बताएं सर आप की इससे पहले भी मूवीज आई हुई हैं तो आपको अपना रोल इस पे कितना डिफरेंट लगता है और आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस तरह डिफरेंट होगी देखिए अगर आपने मेरा काम देखा होगा हां जी तो हर काम डिफरेंट होता है दूसरे के साथ नहीं मिलता ये टोटली डिफरेंट अब बता हम लोग इसलिए नहीं सकते कि जब चीज़ें खुल जाती है ना फिर दूसरा आदमी वही हो जाता है कि हाँ यार ये रोल कर रहे हैं हमें पता चल गया तो ये जब आप सिनेमे में टिकट लेके पॉपकॉर्न हाथ में लेके कॉफी का कप लेके जब आप काम देखेंगे फिर आप ठीक है अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तानी सिनेमाज जो हैं वैसे तो वो इतने रेगुलर फ्लो में नहीं चल रहे और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना उनकी मार्केट भी डाउन है और महंगाई भी इतनी है टिकट्स भी इतनी महंगी हो गई है तो जब फैमिली की पूरी फैमिली ने जाना होता टिकट्स लेने तो 5-7 हज़ार तो कहीं नहीं गया ना तो 5-7 हज़ार सारे वो क्या किया जाए कि इंडियन मूवीज खोल दें इंडियन मूवीज खोल दें आप लोगों को लगता सीट्स ही मिलेंगी ठीक है और पाकिस्तानी मूवीज भी फिर आवाम देखेगी अच्छा मुझे ये बताएं कि जब यूजली किसी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर ही किसी एक करेक्टर की एबीसी जेनेरिक बोल रही हूँ मैं किसी एक करेक्टर की मूवी आती है तो जो बाकी के सारे जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते नहीं सब सपोर्ट बिल्कुल करते हैं ये अच्छी बात है क्योंकि सबको अभी देखिए ना आपका चैनल भी तो सपोर्ट कर रहा है हमारी फिल्म को लेकिन हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है ना आपकी मतलब आपके सर्कल की बात कर रही हूँ आपकी लाइफस्टाइल के जो सारे के सारे एक्टर्स होते हैं ना एक ही स्क्रीन पर आते हैं नहीं नहीं जैसे सब करते हैं सपोर्ट करते हैं जरूरत से ज्यादा करते हैं रिव्यूज आपको अच्छे मिलते हैं अब्बास का मैं नाम लूंगा यहां इमरान अब्बास साहब की अपनी फिल्म आ रही है 16 कोई बट उन्होंने हमारी फिल्म का पोस्टर शेयर किया नाइस ठीक है और क्या चाहते हैं यहां आके बैठ जाए हमारे साथ हाँ ये भी है ठीक है वो तो चले सोशल मीडिया जिंदाबाद वो बता ही देता है जिस तरह मुझे ये पता है आपकी वाइफ की किसी ने स्केच बनाया था आपकी वाइफ का ना
तो अब चलिए उसने तो बनाया होगा प्यार से मोहब्बत से, लेकिन यू डिड अ काउंटर अटैक एंड सेड कि बेटा अगर आपने दोबारा बनाया तो फिर कोई मैं आई विल सू यू, तो वो सार्केस्टिक था या सीरियस हो क्या आपने कहा था? वो लिखा भाई नहीं, लेकिन जिसके कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई माइंड कर जाए? नहीं, क्यों क्यों करते हैं आप? उसने जिस तरह बनाया था माइंड करना चाहिए, वैसे उसे माइंड करना चाहिए। पहली बात तो वो बहुत फनी वे में लिखा हुआ था, तो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा भी उनको समझ आ गया था, और जिनको नहीं समझ आया, हर कोई इज नॉट ऑलवेज यू नो गेटिंग द पॉइंट, तो जिसने बनाया था उसने किस माइंडसेट से बनाया हो ये बात, जिस माइंडसेट से बनाया वो जिस माइंडसेट से बना था उसे वो माइंडसेट चेंज कर ले, बहुत बुरा बना था। अगर दोबारा कभी उसने बनाया तो फिर वही केस होगा, फिर केस होगा। सही है, ठीक है, मैं केस करूंगा। मतलब वो तो डेली, मतलब आप सार्केज्म में कहते हैं ना? हां जी बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना, जो भी है वो सुन लेगा तो अच्छी है कि सार्केज्म। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये यासिर भाई जो वेट है ना, लोग इनको इनकी इसी की वजह से, हां आई नो आई नो, वो सीरियसली कह रहे हैं वेरी गुड एफर्ट, वो उसका कुछ बनता नहीं। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं इसी वजह से कि उन्होंने उस तरह से कमेंट किया था, उस तरह से जवाब दिया। कोई मजेदार किस्सा सुनाए मुझे जो आप लोग के सेट पे हुआ हो भाई, कोई आप लोग बताएं। खाना खाते हो नए साहब जो है, टी वाज फैंटास्टिक। आप बताइए कोई मजेदार किस्सा। काम में मदद, ये बात हम बता नहीं सकते, देखिए बतानी तो पड़ेगी। हां जी, जब हम कोई काम करते हैं, कोई रोल कर रहे हैं और उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं, शूट शुरू होती है, तो जब काम आपने जो सोचा है वो डिलीवर हो रहा है तो उसमें मजा। बाकी ये बाकी चीजें कोई मेमोरेबल वाकया कोई ऐसा नहीं, मैं कोई ऐसा हुआ नहीं कि उसका जिक्र करें, सिवाय इसके कि जी वाइंड अप में इन्होंने नई ब्रांडेड शर्ट वाइट पहनी थी और इसको कहीं मिट्टी मिट्टी लगी थी तो इन्होंने इनकी शर्ट खराब कर दी, बंद कर लिया, तो बस वो मजेदार किस्सा था। उसके अलावा कोई किस्सा नहीं, किस्सा सुनने में काफी मजा आया। अच्छा मुझे ये बताएं, ब्रांड से एक बात याद आई, बोंगलुआ तो मट्टी लाई है तुझे। मुझे ब्रांड से एक बात याद आई, जब टर्किश एक्टर्स को यहाँ से सुन ले टर्किश एक्टर्स को आगे बढ़ जाए, एक स्लाइड से क्वेश्चन है। नहीं, बहुत पुरानी बात है, बात चार साल पुरानी बात, बात तो पूरी सुन ना, बात तो पूरी सुन, मैं इतनी पुरानी बात, आज की बात करें, फिल्म की बात करें। आपने मेरा क्वेश्चन का एंड लिया ना, सुने तो सही। यूजुअली जब टर्किश एक्टर्स को वो लोग बाहर मार्केटिंग के लिए अप्रोच कर रहे थे तो यू रेज्ड अ क्वेश्चन व्हिच वाज क्वाइट वैलिड, लेकिन नाउ इट इज यू सी कि बाहर के ब्रांड्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर की ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स है, तो उस पर भी आप क्यों नहीं कहते कि नहीं होने चाहिए बाइक की प्रोडक्ट्स को, क्यों नहीं? ये मैं पूछना चाह रही हूँ। क्या नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप बताओ। अच्छा मुझे बताया कि पाकिस्तानी सिनेमास को देखें और इंडियन सिनेमास को देखें, तो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री जो है इट्स अ चीप एंटरटेनमेंट, तो व्हाट कुड बी डन कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री, वो बिल्कुल चीप एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं इंडिया जा चुका हूँ, 1200 रुपए का टिकट है, 1200 रुपए का, यहाँ कितने का INR और यहाँ पे PKR, पाकिस्तानी 1200 का, पाकिस्तानी 1200 रुपए का, और यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे मेरे ख्याल से वेरी करता है, आई थिंक इतने का ही है, 600 का भी है, 800 का भी है, 1000 का भी है। अब आप देखिए हमारी इकोनॉमी, लेकिन हमारी आवाम तो ये भी अफोर्ड नहीं कर पाती। नहीं, आप हमारी इकोनॉमी को देखो, इंडिया की देखिए, हमारा रुपया उनके 3 रुपए, नहीं भाई पहले तो कभी भी वो बंदा देखने नहीं जाएगा, वो भी इसके हालात से ही नहीं है। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो घर से निकलेगा, पेट्रोल डलवाएगा, पॉपकॉर्न लेगा, मूवी देखेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। अगर मेरे हालात खराब है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं क्यों देखूंगा मूवी? वही देखेगा ना, जिसके पास हालात पैसे हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए, तो इतना नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप तमाशा में थे, तो आपको कैसा लगा फ्रॉम एपिसोड 1 टिल द एंड? आई वॉन्ट टू नो, और इस नोशन को भी क्लियर करना है कि कुछ ऐसा होता है कि स्क्रिप्टेड होता है या नॉन स्क्रिप्टेड होता है, ये सब कुछ नॉन स्क्रिप्टेड होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो आप वन टाइम एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिसे दोबारा नहीं करना चाहते। दोबारा यू कुछ अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा जाएंगे? दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे दोबारा। टिक्साली गेट का जो ट्रेलर है वो देख के एक क्यूरियोसिटी सी होती है, जस्तजू होती है कि देखी जाए, और ये जो है रिलीज़ हो रही है 16 फेब को, तो मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरी पूरी की पूरी जो आवाम है, ऑडियंस है, वो भी जाए, क्योंकि करेक्टर्स जो है वो इतने कन्विंसिंग है। वी हैव यासिर हुसैन, वी हैव अरसीनियर मिस्टर नैयर एजाज, और प्रोड्यूसर जो है ये सुपर टैलेंटेड, उन्होंने जिस तरह से पूरी की पूरी टीम को एक प्लेटफॉर्म पर एक पेज पर रख के एक अच्छी सी फिल्म बनाई है, उसका ट्रेलर में ही पता चल रहा है कि वो कितनी उसमें एफर्ट्स दिखाई जा रही है मूवी की, और उसका जो योंड्रा है, थीम है, डायलॉग्स हैं, एक्सचेंज जो हो रही है, राइटिंग्स, इट्स अमेजिंग।
ट्रेलर से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मूवी का क्या म्यार हो सकता है, विच इज़ ऑब्वियस टू एवरीबडी. तो आप सभी मुझे प्लीज़ बारी बारी बताएं कि ये मूवी हमें क्यों देखनी चाहिए बिफोर वी रैप अप द सेशन. इस फिल्म को इस तरह से देखें कि इसमें कास्ट बहुत मज़ेदार कास्ट है, बहुत सारे सीनियर एक्टर हैं और इतनी कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है ना इस फिल्म का कि आप लोग देखेंगे तो आप वो कहेंगे कि पाकिस्तान की फिल्मों का कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारा कंटेंट पता नहीं क्यों नहीं अच्छा होता. इस फिल्म के बाद आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो चेंज हो जाए. गुड. सबसे पहले तो मैं समा का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें आप लोगों ने टाइम दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया हमें. सेकेंडली, फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सिनेमाटोग्राफी से लेके म्यूज़िक से लेके और परफॉर्मेंसेस तक सब बहुत ही ज़बरदस्त हैं. जैसा कि उमर ने कहा कि आपका एक जो फिल्म देखने का एक अंदाज़ है वो बदल जाएगा. इस फिल्म के बाद शायद बहुत सारी ऐसी और फिल्में बनेंगी. सर आप बताइए. सबसे पहले तो दोबारा आप लोग का बहुत शुक्रिया और आपने बहुत अच्छा शो कंडक्ट किया और मूवी अच्छी है, कास्ट अच्छी है और कॉन्टेंट. हम लोग कहते हैं ना ऐसी मूवी हमारे क्यों नहीं बनती है जब देख के बोलते हैं, तो इस मूवी के बाद आप नहीं बोलेंगे तो इसलिए जरूर देखना है. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे. बट यस, टुडे इज एक्सक्लूसिव समर पॉडकास्ट विद दी स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग एक्टर्स वाज अमेजिंग. एंड यस, प्लीज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस टू गेट रश टुवर्ड्स सिनेमा ऑन 16th ऑफ फेब, बिकॉज टेक्साली गेट जो है वो 16th ऑफ फेब को रिलीज हो रही है और आप सबने देखनी है, आप सबने पहुंचना है, क्योंकि इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को इकट्ठे एक स्क्रीन पे देखें. सो व्हाई नॉट. एंड स्टे ट्यून्ड. Do not forget to share, like, and subscribe to Sama Podcast. Pushkar's leaving till today. Bye-bye.